वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने देश का बहुत नुकसान किया। याद करिए, पश्चिम यूपी में पहले गुंडागर्दी की, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अपराधियों को खुली छूट मिल गई थी। ये अमरोहा, ये शामली, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार न हो, व्यापारियों के साथ लूटपाट न की हो, क्या वारदातें नहीं होती थी। कितनी ही बेटियों ने इस वजह से स्कूल तक जाना छोड़ दिया था। अब आज भाजपा सरकार में इस पर नियंत्रण लगा है। हमारी बेटियों को परेशान करने वालों को, हमारे व्यापारियों को परेशान करने वालों को दो टूक संदेश दे दिया गया है कि सुधर जाओ, नहीं तो जेल का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, गुंडागर्दी हो, बिजली की समस्या हो, खराब सड़कें हो, ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से यहां उद्योग लगाने से लोग डरते थे। इस स्थिति को बदलने के लिए, निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए एक ईमानदार कोशिश की जा रही है।